टेक आउट योर लेटर एंड वर्ड्स पार्ट टू बुक एंड ओपन पेज नंबर 54। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आई वर्ड्स में लेसन नंबर 49, ओके, उस चैप्टर में हमने आई वर्ड्स फॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल एम आर एक्स मिक्स, के आई टी किट, देन पी आर एन पिन, इसके बाद जेड आर एल जिल, नेक्स्ट जेड आई पी जिप। यहाँ पर बीच में हर एक वर्ड में आई, ओके, ये आई वर्ड्स हमने पढ़े थे, थ्री लेटर वर्ड्स। तो आज फिर से हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, लेसन नंबर 50, आई वर्ड्स 2, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, फॉर्म द करेक्ट थ्री लेटर वर्ड एंड राइट इट इन स्पेस बिलो। तो बच्चों, यहाँ पर भी आपको थ्री लेटर वर्ड फॉर्म करना है, पिक्चर देखना है। तो क्या है, किसका पिक्चर है? फिग, ओके, फिग यानी अंजीर। तो फिग की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आई जी, फिग। तो आपको इस तरह सबसे पहले मार्किंग करनी है, एफ I G, F I G, fig, F for fig, हमने पढ़ा था, fig यानी अंजीर। तो ये वर्ड फॉर्म होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है F I G, fig। नेक्स्ट क्या है पिक्चर में? ये लड़का बैठा है, ओके, सिट, बेटा, बैठना यानी इंग्लिश में उसे सिट कहते हैं, सिटिंग। तो यहाँ पर थ्री लेटर वर्ड्स है S I T, सिट, एस आई टी, सिट यानी बैठना। ये वर्ड फॉर्म होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एस आई टी, सिट। नेक्स्ट वॉट इज दिस? लिप यानी होट, एल आई पी, लिप। तो इसे आपको मार्क करना है इस तरह स्लोली, एल आई पी, लिप, एंड देन यहाँ पर आपको ये वर्ड लिखना है एल आई पी, लिप यानी होट। नेक्स्ट वॉट इज दिस? बिन, डस्टबिन, ओके, बी आई एन, बिन। यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है बी आई एन, बिन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आई के वर्ड्स फॉर्म किए, ओके, कौन से वर्ड्स है ये? आई, ओके, एफ आई जी, फिग, एस आई टी, सीट, एल आई पी, लिप, बी आई एन, बिन। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं। ये होने के बाद आपको लेसन नंबर 51 निकालना है। यहाँ पर हम आई वर्ड्स पढ़े थे और यहाँ पर आई जी और आ इन, ओके, आई जी एंड आ इन वर्ड्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन है, फॉर्म थ्री लेटर वर्ड्स, ट्रेस एंड राइट देम बिलो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको फिश पॉन्ड मतलब एक्वेरियम दिखाई दे रहा है। इस एक्वेरियम में क्या है? फिश के ऊपर लेटर्स लिखे हैं, ये बी, ये एफ, ओके। अगर हमने ये बी यहाँ पर लिखा आई जी के सामने, बी आई जी, बिग, बिग यानी बड़ा, ओके, ठीक उसी तरह ये लेटर एफ हमने यहाँ पर लिखा, एफ आई जी, फिग, फिग यानी अंजीर, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ओके। तो यहाँ पर आई जी वर्ड्स फॉर्म होते हैं, बी आई जी, बिग, एफ आई जी, फिग। ठीक उसी तरह आयन वर्ड्स भी आज हम पढ़ेंगे। तो आयन वर्ड्स, अगर हमने ये बीन यहाँ पर लिखा तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा? बी आई एन, बीन यानी डस्टबिन। ये पिन, पी हमने यहाँ पर लिखा तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा? पी आई एन, पिन। पिन तो आपको पता है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ओके स्टूडेंट्स। आई वर्ड्स में ये पिन, उसके बाद ये फिग, बीन, ये भी आई वर्ड से, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं लेटर्स, बी आई जी, बिग यानी बड़ा, ये आई जी वर्ड से, ओके, आई जी, आई जी, बी आई जी, बिग यानी बड़ा, बी आई जी, बिग। ठीक उसी तरह व्हाट इज दिस? फिग, ओके, एफ आई जी, फिग यानी अंजीर, एफ आई जी, फिग, एफ आई जी, फिग। इस तरह आपको सही एंड राइट मेथड से ही जाना है। नेक्स्ट इज डस्टबिन, ओके, बी आई एन, बिन, बी आई एन, बिन, बी आई एन, बिन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज पिन। पिन तो आप सभी को पता है, फाइल्स को लगाई जाती है या फिर पेपर्स को, पी आर एन, पिन, पी आर एन, पिन, पी आर एन, पिन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको बोलकर लिखना है और ये वर्क पूरा कंप्लीट करना है, ओके, और स्पेलिंग्स भी आपको याद रखनी है। ये होने के बाद आप नोटबुक में भी इसे राइट डाउन कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।